हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल की प्लानिंग विद संदीप बिहान। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वर रिलैक्स समवट आफ्टर सीइंग द पैटर्न, न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर दैट इज रिलीज्ड बाय सीबीएसई यस्टरडे। एंड यस्टरडे वी हैड डिस्कस द कंप्लीट पैटर्न मार्किंग स्कीम ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th, एंड टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल साइंस फॉर क्लास 10th, that how many questions you have to attempt, how many sections will be there। आपने देखा था ना, इंग्लिश में अलग अलग सेक्शंस थे और उस हर पर्टिकुलर सेक्शन में यू हैव टू अटैम्प्ट स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो वट विल बी द पैटर्न इन सोशल साइंस दैट विल डिस्कस टूडे। तो लेट अस बिगिन आवर टूडेज वीडियो। द फर्स्ट वन इज, सी हेयर इज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शन। तो आपके टोटल कितने सेक्शन रहेंगे? 4। ओके, सेकंड, सेक्शन ए में यू विल हैव टोटल 24 मार्क्स, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में यू विल गेट टोटल 22 क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 18। एंड इन सेक्शन सी यू विल गेट 12 क्वेश्चंस जो कि केस बेस्ड होंगे। केस बेस्ड मतलब जैसे आपके इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, है ना। तो सिमिलरली इसी तरह का कुछ पैटर्न आपका इसमें भी आएगा, एसएसटी में भी आएगा। केस बेस्ड आपको कुछ कॉम्प्रिहेंशंस दिए होंगे, यू हैव टू रीड दैम एंड देन अटेम्प्ट द एमसीक्यूज। तो टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 12 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें से आपने कितने करने हैं? एनी 5 पर केस। तो देखो, 12 क्वेश्चन यानी हो सकता है कि 2 केस स्टडीज होंगी, हर केस स्टडीज़ में 6 क्वेश्चंस होंगे, और आपको 6 में से एनी 5 जो है अटेम्प्ट करने होंगे पर केस। यानी एक केस के 6 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, दूसरे केस स्टडी के 6 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। ओके, देन इन सेक्शन डी यू विल गेट मैप बेस्ड क्वेश्चन, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन ही आएंगे आपको मैप के, वो भी एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे आपके, ठीक है, और दोनों ही आपने करने हैं। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो पैटर्न बेटा अगर आप देखेंगे तो सेम इंग्लिश की ही तरह है, 24 + 22 + 12, तो इट इज़ 60। ओके, तो इट मीन्स इन टोटल यू विल गेट 60 क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 20 + 18 38, प्लस यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा 48 + 2 50 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 60 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 50 क्वेश्चन। मार्क्स आपके 40 हैं, तो ऑफ कोर्स आपका पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 0.8 मार्क्स का रहेगा। ओके, यानी 1 मार्क्स से भी कम का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन विल नॉट कंसिस्ट 1 मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल कैरी 0.8 मार्क्स, और सभी क्वेश्चन सेम मार्क्स के रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन पैटर्न दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट। सो हियर इज योर पेपर, दिस इज योर सेक्शन ए इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट, सी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आर हियर, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस। सेक्शन ए में आपके 24 क्वेश्चंस होंगे, आपने कोई भी 20 करने हैं। सो दिस इज योर सेक्शन ए, 24, सो टिल हेयर इज योर सेक्शन ए। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन बी, वेयर यू हैव टू अटेम्प्ट 18 आउट ऑफ 22 क्वेश्चन, एंड यू कैन सी हेयर क्वेश्चन नंबर 25 इज़ योर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बच्चे जनरली क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मैम क्या पिक्चर बेस्ड भी आएंगे? तो यस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने इस बार भी आपके डाले हैं, जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू विल गेट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इन योर सोशल साइंस टेस्ट। सो दिस इज़ योर सेक्शन बी। ओके, तो आपके रीजनिंग एंड असर्शंस के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। यू कैन सी हेयर क्वेश्चन नंबर 33 विच इज़ बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग, एंड यू हैव टू एनालाइज द बोथ द स्टेटमेंट्स एंड देन टेक योर करेक्ट ऑप्शन। तो
सभी तरह के क्वेश्चंस डाले गए हैं सीबीएसई ने। नेक्स्ट वन इज सेक्शन सी, दिस इज योर सेक्शन बी ओनली। यू कैन सी हियर दिस इज योर सेक्शन सी, और सेक्शन सी में ही आपकी केस स्टडीज होंगी। आई टोल्ड यू दैट यू विल गेट केस बेस्ड क्वेश्चंस, सो यू कैन सी हियर रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर एनी फाइव। सो दिस इज योर फर्स्ट केस स्टडी। ग्रिम्स फेयरी टेल्स इज अ फेमिलियर नेम इन जर्मनी। द ब्रदर्स जैकब एंड विलहेल्म ग्रिम वर बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ हनाओ। While both of them studied law, they soon developed an interest in collection of old folktales. They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales. तो आपका ये देखो बेटा, जो आपके बुक में सोर्सेज दिए होते हैं ये आपका हिस्ट्री में से है। एंड आई थिंक दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसमें आप देखेंगे जहाँ पर हमारा पोर्शन आया था, अगर आपको याद होगा, जिसमें लास्ट में दिया गया था कि हाउ द नेशनलिज्म वाज स्प्रेड इन डिफरेंट मैनर्स विद द हेल्प ऑफ फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स। तो वहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में बॉक्स होगा, उस बॉक्स का ये सोर्स है। एंड ये सोर्स आपका पूरा एज इट इज़ दे दिया, और इसमें से अब आपके नीचे क्वेश्चंस बन गए एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो यू विल गेट 6 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। दिस इज़ योर सेकेंड केस स्टडी। ये किस में से देखते हैं, देर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप। तो आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम योर ज्योग्राफी बुक। ओके, तो वन कॉम्प्रिहेंशन और केस स्टडी यू विल गेट फ्रॉम योर ज्योग्राफी एंड वन फ्रॉम योर हिस्ट्री। बाकी आपको प्रिपेयर चारों बुक्स के लिए रहना है, किसी भी बुक में से केस स्टडी आ सकती है। ओके बेटा, बट जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको हिस्ट्री और जियो में से दी है, क्योंकि दो ही डालनी है, तो कोई सी भी दो बुक्स में से आ गई। हो सकता है जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्म का, उसमें से हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में से आ जाए, हिस्ट्री एंड सिविक्स में से आ जाए, क्योंकि सिविक्स में भी आपके बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द फोर बुक्स, बट द गुड थिंग इज़ दैट यू हैव टू रीड देम एंड आंसर the questions on the based of the options given to you। okay, तो इसमें भी देखो आपके दिए हुए हैं 3 questions दे दिए, 3 options आपको दिए हुए हैं। अब उनमें से कौन से करेक्ट हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा। सो दिस इज़ योर सेक्शन, दिस वॉज योर सेक्शन सी। नाउ दिस इज़ योर सेक्शन डी, दैट इज़ मैप क्वेश्चन। तो मैप क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि यू विल गेट 2 questions। तो आपको जो अब CBSE ने दिया है, आपको 2 points मार्क करके दे दिए। ओके, एंड व्हाट CBSE हैज़ डन, CBSE हैज़ गिवन यू द ऑप्शंस फॉर बोथ द मार्क्ड प्लेसेस। तो फर्स्ट में आपने बताना है कि वो क्या है, कौन सा डैम है, सलाल डैम है, भाखरा नंगर डैम है, तेहरी डैम है या राणा प्रताप सागर है। अब बेटा ये आपका आया हुआ है चैप्टर आई थिंक 3, वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट उसका जो मैप है That will be analyzed in your final exam। Final exam यानी first term final exam। तो ये जो ये question है ये आपका water resources वाले chapter में से है, and जो mark है that is भाखरा नंगर dam। And the second one is on the same map, B is also marked as major tea cultivating state। तो major tea cultivating state है, तो देखते हैं यहाँ पर है। मैंने आपको class में भी बताया था कि अगर major tea cultivating state आती है तो वो कौन सी रहेगी। We all know that this is our असम। ओके, कॉफ़ी की आएगी तो आपको कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला में से एक ऑप्शन मिलेगा, और वो मिलेगा तो आपने ध्यान रखना है। लेकिन इसमें आपको टी पूछा गया है। अब सपोज आ जाता है दिस इज़ आवर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर कॉफ़ी का पूछा जाता है दिस इज़ कर्नाटका, दिस इज़ केरला, दिस इज़ तमिलनाडु, तो इन तीनों में से कोई भी स्टेट आ सकती है फॉर मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग। तो आपकी मेजर जो क्रॉप्स दी गई हैं, राइस है, वीट है, किसी का भी मेजर क्रॉपिंग एरिया जो आपसे पूछा जा सकता है, किसी और चैप्टर में से भी यू कैन गेट योर मैप क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स,
तो नाउ व्हेन यू विल गो थ्रू, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60 दोबारा भी दिया हुआ है. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 59 एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 60 एंड हेयर अगेन इज़ योर क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60. बट बेटा ऊपर देखेंगे ध्यान से, इट इज़ रिटन दैट दिस इज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स इन द ल्यू ऑफ क्वेश्चन 59 एंड 60. जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, बेसिकली दोज हु कैन नॉट सी, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए है, आपने ये अटैम्प्ट नहीं करने. तो मैप वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत हो जाना, चार क्वेश्चंस मिलेंगे, पहले दो आपके हैं और पीछे वाले दो जो हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे. तो दैट यू हैव टू डू. सो हेयर वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट पेपर दैट हाउ मेनी सेक्शंस यू विल गेट. यू विल गेट टोटल 4 सेक्शंस. इन 4 सेक्शन यू विल गेट टोटल 60 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 60 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 50 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेक्शन, सेक्शन वाइज, नॉट एनी 50. जैसे सेक्शन ए में आपने 20 करने हैं, सेक्शन बी में आई थिंक आपको 12 करने हैं, ओके, सेक्शन सी में आपको नहीं, सेक्शन बी में आपको 14 करने हैं, सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं एंड 2 क्वेश्चंस आपके लास्ट में हैं मैप वाले, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी गई. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट SST पेपर. आई होप दैट ऑल योर डाउट्स आर क्लियर एंड नाउ यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन विद ऑल योर कन्फ्यूजन्स which you don't have now. Okay, now all your confusions are clear. Still, if you have any doubt regarding English paper or social science paper, you can ask me. Okay, students, till then all of you take care and have a good day.